जज की सजा सुनाने पर मुख्तार अंसारी का ऐसा था रिएक्शन, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज साहब से लगाने लगा गुहार, चिल्लाने लगा, जज साहब मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सजा मत दो। कोर्ट रूम में रोता हुआ नजर आया माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MPML कोर्ट ने कल उम्र कैद की सजा सुना दी है। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या का ये 32 साल पुराना मामला था और संयोग से कल ही UP के CM योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन भी था। दोपहर 2 बजे के बाद जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई, वैसे ही कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की और केक काटा। वकीलों ने इस फैसले पर न केवल खुशी जताई बल्कि इसके लिए CM योगी की भी खूब तारीफ की। हम लोग 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मेरा परिवार इंतजार कर रहा था, सभी लोग, उसका आज फैसला आया है। मैं न्यायपालिका को मैंने दंडवत करके धन्यवाद दिया। हमारे सभी साथी, हमारे वकील साहब अनुज, विकास, अमनदीप, जितने हमारे लोग थे, सब लोगों ने डट के इसमें जीरा किया, बहस किया। सरकारी वकील ने, शुक्ला जी ने, हमारे विनय ने, सब लोगों ने डटकर काम किया, जिसका परिणाम 32 साल की लंबी लड़ाई पर आज ऐसे दुर्दांत अपराधी को आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाया है। असल में माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को अभी तक किसी भी मामले में इतनी सख्त सजा नहीं हुई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को सजा मिलते ही CM योगी ने जो विधानसभा में ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, वो बार बार दोहराया गया। लेकिन इन सब के तहत जब मुख्तार को सजा सुनाई गई, तो उसका हाल कैसा था वो आपको देखना चाहिए। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सजा सुनाए जाने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश मुख्तार अंसारी से जब पूछा गया कि अदालत द्वारा आपको दोषी करार दिया है तो आप कुछ कहना चाहेंगे, इस पर मुख्तार अंसारी बोल पड़ा कि वो बेगुनाह है, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी उम्र को देखते हुए न्यूनतम सजा निर्धारित की जाए। लेकिन जज ने जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाई, मुख्तार अंसारी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, अचानक सिर पकड़ लिया और वहीं जमीन पर लेट गया। पसीने से तर बतर मुख्तार को देखकर जेल अधिकारियों के होश फाकता हो गए। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाकर मुख्तार के ब्लड प्रेशर की जांच कराई गई, जिसके बाद आराम करने की सलाह देते हुए उसे बैरक में वापस भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्तार रविवार को आने वाले फैसले को लेकर खासा चिंतित था। उसने रविवार शाम से ही खाना नहीं खाया था, रात भर जागकर करवटें बदलता रहा और जब कल सुबह पेशी से पहले और बैरक में पहुंचने के बाद उससे खाने के लिए पूछा गया तो उसके मुंह से बोल नहीं फूटा, सिर्फ सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। जेल अधिकारी उसके चेहरे की टेंशन को भापने के बाद वापस आ गए, लेकिन इस फैसले के साथ ही तय हो गया कि अब माफिया मुख्तार अंसारी को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। अब आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद आखिर मुस्लिम क्या बोले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कानून व्यवस्था है ये सबके लिए बराबर हो रही है। अच्छा। मुसलमान या हिंदू से तो कोई मतलब नहीं, सरकार जो है एक तरफा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा। कि भाई मुसलमान के लिए कर रही है, हिंदू, जब कानून के हिसाब से हम गलत चलेंगे तो वो सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है। देखो, कानून तो कानून होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून तो अपना काम बराबर करेगा। कानून जो भी करता है वो सही करता है और कानून के दायरे में जो जिसके जो जुर्म की जो सजा है वो मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या कोई भी अंसारी हो, कोई भी हो।